वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो, कर दिया, चल पढ़ाओ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरीबी ने किस टाइप के लोगों को अपना शिकार बनाया है। इंडिया में 1993 में 45% लोग गरीबी के शिकार थे, और 2011-12 में ये आंकड़ा 22% तक पहुंच गया, जो कि एक अच्छी बात है। तो सबसे बुरा हाल शेड्यूल ट्राइब का है। 43% एसटी के लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, और इनके बाद आते हैं एससी। 29% एससी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो ये हो गई सोशल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बात। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन के हिसाब से। तो 34% एग्रीकल्चरल लेबर्स बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में आते हैं। एग्रीकल्चरल लेबर्स वो लोग हैं जिनके पास खुद के खेत नहीं होते और वो दूसरों के खेतों पे जाके काम करते हैं। और शहरों में कैजुअल लेबर्स का भी यही हाल है। 34% कैजुअल लेबर्स बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में आते हैं। कैजुअल लेबर्स वो लोग हैं जो शहरों में फैक्ट्रियों में काम करते हैं, या जूते पॉलिश करते हैं, या कोई अपना छोटा मोटा सा काम करते हैं। और हाँ, जेंडर और एज से भी बहुत फर्क पड़ता है। फीमेल्स, बच्चे और बूढ़े लोगों के बिलो पॉवर्टी लाइन में होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब हम इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज की बात करेंगे, यानी कैसे हर स्टेट में पॉवर्टी का अलग अलग हाल है। तो यार, सबसे बुरा हाल ओडिशा और बिहार का है। बिहार के 33.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, और वहीं ओडिशा के 32.6% लोग गरीब हैं। लेकिन वहीं केरला, जम्मू कश्मीर, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब और हरियाणा का प्रदर्शन थोड़ा बढ़िया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को जल्दी से अपना लिया, और फिर इन्हें खेती बाड़ी से ज्यादा फसल मिली और ज्यादा पैसे भी। केरला की गवर्नमेंट ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस किया, यानी अपने स्टेट के लोगों को पढ़ाया लिखाया और उनकी सेहत पर ध्यान दिया। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, यानी जमीन को दोबारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और फिर वहां गरीबी एकदम से कम हो गई। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गवर्नमेंट ने लोगों को फ्री या बहुत ही कम पैसों में खाना बनाने का सामान उन्हें दिया, जिससे वहां की डेवलपमेंट हुई। तो देश की बात तो बहुत कर ली, अब दुनिया की बात करते हैं। तो 1990 में वर्ल्ड की 35% पॉपुलेशन गरीब थी, यानी वो दिन के $1.9 भी नहीं कमा पाते थे। अब 2013 में ये आंकड़ा 10.5% तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा गरीबी अफ्रीका में है। चाइना में भी पहले बहुत गरीबी थी, पर उनकी अच्छी पॉलिसीज की वजह से अब वहां बहुत ही कम गरीब लोग बचे हैं। और रही बात इंडिया के नेबर्स की, तो यहाँ पे भी धीरे धीरे गरीबी कम हो रही है। तो यारो, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।